शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिवराय। ये सारा डांडा यहाँ का रियली मतलब जन्नत आपको देखनी है तो आपको उसे मुखे माना होगा जन्नत देखने के लिए। कसम हम बिलीव नहीं कर सकता मैं आज की मैं आज यहाँ आ रखा हूँ। नीचे देखिए वाव तल बला श्यामा वाव वाव। देखिए धूप कहाँ से निकल रही है। देखिए यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बर्फ पड़ रखी है यहाँ के मकान वादियाँ। तो हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से और सेम मुखेम की लगती हुई धूप के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवेक बिष्ट और हमेशा की तरह स्वागत करता हूँ इस नए ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आ रखा हूँ सेम मुखेम में और एक बात मैं आपको बता दूं कि यार मैंने वीडियो शूट करी थी घर से आते हुए और वो फॉर्मेट हो गई, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। परंतु आज मैं जो सेम मुखेम में हूँ अभी और जैसे हम सुबह उठे वाव जन्नत, और मैं इस जन्नत को आपको दिखा रहा हूँ। अगर दोस्तों अभी तक आपने ये वीडियो शेयर नहीं की है तो शेयर कर दीजिए अपने फैमिली मेम्बर अपने दोस्तों तक ताकि सेम मुखेम भगवान के दर्शन आप भी कर सके, नागराज भगवान के। अभी मैं छत के ऊपर हूँ, यहाँ पर एक आश्रम है तो आश्रम के ऊपर हूँ। पीछे का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, सारा दिखाऊंगा आज। धराय हर हर भोले नमः शिवाय, जटा धराय शिव। दोस्तों मेरे को दिल से बुरा लगा है, दिल से बुरा इसलिए लगा है क्योंकि मेरी वीडियो डिलीट हो गई थी। बहुत मेहनत लगी थी मेरी घर से आते हुए और बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है मैं बर्फ में आके। और हमारे साथ देखिए पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी एक बार कैमरे की तरफ देखिए हमारे पंडित जी। और इधर बहुत ही अच्छा मौसम है दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सेम मुखेम आ रहे हो तो बरसात में मत आना क्योंकि हमारे बरसात में कल बुरे हाल हो गए थे और बर्फबारी में उतना नहीं होता क्योंकि जब बर्फ़ पड़ जाती है तो ऊपर अगर शायद थोड़ा अगर मौसम गड़बड़ ना हो तो मैं आपको ड्रोन का एक दो शॉट दिखाऊंगा यहाँ का बढ़िया सा नज़ारा। देखिए सारे लोग यहाँ पर मज़े ले रहे हैं। भाई एक बार कैमरे की तरफ हाई कर दो। वाह 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 वाह, कसम से जन्नत। मतलब हमारी किस्मत इतनी लकी है, हमारे बराबर लकी इंसान कोई है ही नहीं। वाह वाह वाह, और देखिए ऊपर कितनी मस्त धूप लग रही है। हाँ राजू भाई तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग में हूँ जन्नत में। और खुशराज भाई आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत है यहाँ पे। तो आप आने वाले टूरिस्ट को क्या बोलोगे यहाँ आने के लिए? हम यहाँ पे बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा करके यहाँ आए, ज्यादा से ज्यादा करके घूमे यहाँ। बहुत के टाइम पे आया तो और भी अच्छा लगा। हम बड़े लकी थे ना, बहुत लकी, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम इस टाइम पे यहाँ पे आए। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। सही बात, चोपता से ज्यादा इस टाइम यहाँ पर बर्फ पड़ी है। चोपता में अभी कमी है, बादल के ऊपर भी आ रहे हैं। चोपता से ज्यादा हिल पे है और बादल यार, सूरज आ गया, मौज आ गई। पैसे वसूल हो गए गाइस, मेरा डायलॉग है पैसे वसूल हो गए गाइस। तो फाइनली मैं सेम मुखेम जो नागराज देवता का मंदिर है, जो श्री कृष्ण भगवान की मंदिर है, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और यहाँ पर कृष्ण भगवान के साथ साथ गंगू रामोला भी है और मैं जा रहा हूँ इन सीढ़ियों से। अगर आप यहाँ पहले आ चुके हो तो कमेंट जरूर करना और नहीं आए हो तब भी कमेंट करना दोस्तों। और देखिए मेरे जूते, बर्फ़ वाले जूते ना रख मैंने ताकि मुझे ठंड ना लगे। वाव इसके ऊपर देखिए कितना बर्फ, ये है गेट भगवान का। और ये देखिए दोस्तों मंदिर का, हम बहुत भाग्यशाली हैं इस बर्फबारी में हमें भगवान के दर्शन करने को मिल रहे हैं। वाव ये देखिए वहाँ पर, एक बार दिखाऊँगा मैं आपको। देखिए दोस्तों इधर मैं आ गया हूँ मंदिर पे और मेरे से पहले अभी यहाँ कोई नहीं आया है, मैं ही आया हूँ यहाँ। यहाँ से आवाज़ आ रही ऊपर को, इतना ठंडा हो रहा है पीछे मंदिर। सेम भगवान का मंदिर, सेम नागराज का मंदिर। और मैं जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ, बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो यहाँ पहुँचा। और भगवान की एक गेट है, इस गेट जो प्रचलित है, इस गेट को मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए घंटियाँ, सारी घंटियाँ जमी हुई है यहाँ ना, पूरे रास्ते में अनलिमिटेड घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। और ये है वो देखिए ऊपर शेषनाग के ऊपर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, जो सात फन वाला नाग है। और ये देखिए यहाँ से है मंदिर का एंट्री गेट, ये देखे वाव। इधर बांज के पेड़ इतने बड़े बड़े हैं कि बहुत बड़े बड़े। ये है वो घंटी जिसे श्री कृष्ण भगवान, एक बार बजा के देखता हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ है इसकी। ये देखिए वाव, धूप भी निकल गई है।
ये देखिए ये सीम का मंदिर का द्वार बहुत ही सुंदर है बर्फबारी में। अरे यहाँ बर्फ पड़ी हुई है देखो, वाव ब्यूटीफुल। ये है वो नाग, ये कितना बड़ा नाग है ये, और एकदम बंद रहता है वो, एकदम बंद। ये देखिए कितना, मतलब इतना बड़ा भव्य घंटी। ये देखिए मुझे ये लग रहा है क्योंकि फिर से बर्फबारी होगी, क्योंकि यहाँ माहौल ही ऐसा बन रहा है। ये चीज़ ना दोस्तों किस्मत वालों को मिलती है, मैं आपको सच्ची बता दूँ, ये चीज़ किस्मत वालों को मिलती है, क्योंकि देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। देखिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी पड़ी होगी। देखो ये देखो इतनी बर्फ़ हटाने के बाद साल की पहली बर्फबारी के साथ, और नीचे देखिए वाह, ऐसी धूप हो और बर्फ़ गिरी हो और भगवान सेम नागराज का तपोस्थली हो तो मज़ा ही कुछ अलग आ जाता है। ये दोस्तों मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये चीज़ें नसीब वालों को मिलती है, और यहाँ का जो मैंने सुना है कि नागराज देवता का जब किसी को बुलाव होता है आने का, तभी यहाँ आज्ञाएँ होती है आने की, वरना ऐसे नहीं आ सकता कोई, और बहुत ही ओपी वाला दृश्य है। कल रात ये हो गया था दोस्तों कि जब मैं घर से निकला था तो मैंने सारी वीडियो कैप्चर की थी घर से लेकर और यहाँ तक जब मैं गेट तक पहुँचा था, वीडियो मैंने एक्सपोर्ट भी कर दी थी, सब कुछ कर दिया था। क्या ही बताऊँ यार, वीडियो गलती से डिलीट हो गई और बहुत ही बुरा लग रहा है मुझे कि वीडियो डिलीट हो गई, वरना मैं आपको पार्ट दो पार्ट दिखा था कि वाह कितने मज़े करे हमने। पर नहीं, हिल्स बाय यूके यानी कि महेश भाई ने वो वीडियो बनाई है, आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हो हिल्स बाय यूके, और मैं उनको भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ही उन्हें देख सकते हो। तो अभी हमारा है थोड़ा ड्रोन उड़ाने का प्लान, और उसके बाद थोड़ा डुगडुगी पत्थर जो हिलने वाला है, और नीचे है तलवला सीमा, और उसके बाद हम घर को निकलेंगे। तो अभी है भाई लोग जा रहे हैं डुगडुगी पत्थर को, और हम भी जा रहे हैं क्योंकि अब इतनी दूर आ रखे हैं तो उस पत्थर तक तो जाना अवश्य बनता है कि उसका रहस्य देखने को। मैं इस भाई रह गया पीछे, मेरे अंदर बर्फ़ चली गई और टटमरी पड़ रही है, और बर्फ़ ही बर्फ़ में, वैसे बर्फ़ इतनी बर्फ़ मेरे घर तक पड़ती है, परंतु भगवान की बर्फ़ एक प्रसाद के रूप में है। क्या मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो शेयर नहीं करी तो शेयर कर देना, और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करना ताकि जो भी यहाँ आए उन्हें जानकारी मिल सके। यहाँ पेड़, इतने बड़े बड़े पेड़ टूट रखे हैं शायद इस जंगल में। देखिए पानी का टैंक है, सारा जम चुका है अंदर, उसके अंदर पानी आते आते हमारे हाथ सुन्न हो गए हैं। हमने सोचा डुगडुगी पत्थर नज़दीक होगा, हालत ख़राब हो गई, ग्लव्स भी नहीं लाए। अभी कोई जानवर गया हमारे आगे आगे, जस्ट उसके कदमों के निशान, और यहाँ से सीधे इसने नीचे चला गया। फिर आवाज़ें तो आ रही है किसी जानवर की, मिल भी लेंगे, इंट्रोडक्शन कर लेंगे। दोस्तों 2 किलोमीटर चलने के बाद, हमें तो 2 किलोमीटर ही लगा, हम डुगडुगी पत्थर के पास पहुंच चुके हैं, और अब मैं डुगडुगी पत्थर आपको दिखाऊंगा जिसमें भगवान की शक्ति मानी जाती है। उसे एक उंगली से हिलाओ सरदा मन से तो जरूर हिलता है, और पूरे हाथ से हिलाओ तो नहीं हिलता है। ये देखिए दोस्तों डुगडुगी पत्थर का रास्ता यहीं से है, और ये देखिए इतनी बर्फबारी में हम लोग आए, फाइनली पहुँच ही चुके हैं हम यहाँ डुगडुगी पत्थर में। देखिए दोस्तों वो घड़ी का इंतजार खत्म हो गया है, इसके बिना अधूरी मानी जाती है यात्रा। ए भगवान, ये देखिए यहाँ पर डुगडुगी पत्थर पे हम आ चुके हैं। देखिए वाह, ये है वो डुगडुगी पत्थर एक किनारे पे, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा इतनी दूर इसकी खोज किसने करी थी होगी, और कब करी थी होगी, ऐसे किसने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि ये एक उंगली से हिल रहा, एक उंगली से हिल रहा, बहुत बहुत उंगलियों से नहीं हिल रहा है। ये देखिए जन्नत सामने, कोई यही नहीं हिलो बे, हिल रहा यार, सब चीज से हिल रहा है। ये नॉर्मल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब हम किसी का आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे, परंतु जिसकी आस्था है उसके लिए सही है, परंतु एक उंगली से तो नहीं हिलता है, परंतु ये देखिए एक बार मैं अपने भाइयों से कहूंगा प्रैक्टिकल करके दिखाइए। ये है वो पत्थर, देखिए हिल रहा है ना, हिल रहा है दोस्तों, ये हिल रहा है देखिए, क्योंकि ये बोल रहे थे एक उंगली से, ऐसा खुशराज भाई कैसे महसूस हो रहा है आप ही बताओ। कुछ नहीं है जो बोल रहे थे वो सब गलत बात है, मैं भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसमें हमें ये मिल रहा है कि एक उंगली से नहीं हिल रहा, बल्कि जब हम जोर लगा रहे हैं फिर हिल रहा है। हाँ ये देखिए हिलने की, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कट कट की आवाज, जैसे सब लोग बोल रहे थे इसमें बहुत ज्यादा ये है वो है, परंतु देखिए आसानी से हिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, एक उंगली से तो हिल ही नहीं रहा है हमसे। अब सब लोग जाने की कैसा क्या सीन है, परंतु अगर साइंस के मुताबिक लगाए तो यहाँ एक पत्थर ही टाइप पे है और ये सिर्फ हाथ से ही हिलता है, परंतु अगर आस्था है सबकी जुड़ी हुई तो पत्थर में भगवान मिलता है। तो ऐसे ही हम भगवान, हम आस्था लेकर आए हैं, हम किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने नहीं चाह रहे हैं, परंतु जो भी है सही है कि शक्ति है। कि इधर से भी आ गया हूँ, ये देखिए
देख रहा हूँ मैं, इस साइड से भी देखता हूँ, एक उंगली से हिला के। हिल रहा है, कोई ये नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। अब देखिए ये देखिए यहाँ से उठ रहा है, देखिए ये देखिए हिल रहा है, पूरे हाथ का जोर लगा रहा है तब हिल रहा है, एक उंगली से नहीं। ये देखिए दोस्तों, हिल तो सभी चीज से रहा, देखिए दोस्तों की हाँ यहाँ का दृश्य, और सबसे अंतिम पत्थर है ये, और ये पूरे हाथ से हिल रहा है और उंगली से भी हिल ही रहा है। सही है, जो भी है बढ़िया है, आस्था है सब लोगों की, और हम बहुत ज़्यादा चढ़वाए होते हैं तो हम भी ये लेके आए भगवान द्वारी का दृश्य, कि सभी के मनोकामना पूरी करना, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनकी खुश खसाल रखना, उनके परिवार को सभी को। डूब डूबी पत्थर से हम ऊपर आ चुके हैं और नागराज भगवान की तपोस्थली की ओर हम जा रहे हैं, और सामने के पहाड़ देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि ये हर किसी के नसीब में नहीं होता है, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और इधर बहुत सारे जानवर भी हैं, रिछ भी हैं और सियार भी हैं, हिरन भी है, बहुत सारे हैं। जब तक कैमरे पर निकाल रहे हैं तब तक वो भाग जा रहे हैं, क्योंकि यार ठंडे लग रखे ना उन्हें, इसलिए। तो यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं, यहीं से मैं जाऊँगा, अभी 1.5 किलोमीटर रह रखा है जाने के लिए, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ से और सीधे डायरेक्ट घर निकलेंगे। अब देखेंगे आगे का प्लान कहाँ का बनता है। और दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक लाइक नहीं करी है तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना, ताकि इष्टदेव नागराज की झक सबको मिल सके। पंडित जी से परमिशन ले लिया है मंदिर के अंदर फोटो खींचने के लिए, तो मैं धन्य धन्यवाद देना चाहूँगा पंडित जी का। पंडित जी ने बोला आप इतनी बर्फबारी में आए तो आप फोटो खींच लेना। ये देखिए शिव भगवान का यहाँ पर इतनी सारी घंटियाँ, ये चढ़ावा की घंटियाँ हैं, और मैं जा रहा हूँ मंदिर के अंदर। एंटर होते ही आपको सबसे पहले इधर धुएँरी मिलेगी, ये देखिए, और यहाँ पे ये हमेशा जलती रहती है। और देखिए यहाँ पे ये सबसे पुराना है, यहाँ पे लकड़ी का है, ये लकड़ी का, और इतनी बड़ी घंटी। और ये देखिए मंदिर के अंदर का नज़ारा, क्योंकि ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये हमने लाया सिर्फ परमिशन से। पंडित जी ने बोला कि आपकी वो सबसे पहले पत्थर ही था यहाँ पे, ये वाला, तो इसी पे कृष्ण भगवान थे, ये वाला पत्थर इसमें, और तब उसके बाद ये मूर्ति मार्तियाँ बनाई गई कृष्ण भगवान की। देखिए कितनी भव्य मूर्तियाँ, सारी चांदी की, सोने के हैं इधर, ये देखिए कुछ ऐसा इतना ऊँचा है यहाँ। ये गंगू रमोला जी की फैमिली है, यानी कि उनका परिवार है यहाँ पर, और ये दिया हमेशा चलते रहते हैं 24 आवर। ये पत्थर, जो ये पत्थर है, यही है यहाँ का इष्ट देव नागराज की, जो वो देखिए वहाँ पर वो छुपा रखा है, क्योंकि उसको पूरा नहीं दिखाते हैं। ये देखिए मंदिर के अंदर आप पहली बार ये दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले किसी ब्लॉगर ने शायद ही नहीं दिखाया होगा। तो हमें पंडित जी ने बताया कि पंडित जी ने बोला कि आप खींच सकते हो, इतनी बर्फबारी में आए तो आप फोटोज़ ले सकते हो, तो हमें परमिशन दी है, तो हम सब ने खींची है यहाँ पर। और मंदिर के अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है, और सामने जितनी घंटियाँ हैं सारी चढ़ा हुए की है, और यहाँ अनलिमिटेड घंटियाँ हैं, और ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, ये देखिए ऐसा है कुछ मंदिर का दृश्य। चलने का समय हो गया है, और बहुत ही मिस करेंगे हमें मोमेंट ये पल, और एक बार पुनः ज़रूर आएंगे, अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो अवश्य भगवान एक बार दोबारा हम अवश्य आएंगे यहाँ, ये हमारा वादा है आपसे। और यहाँ का देखिए ढोल, जो अपनी उत्तराखंड की सांस्कृतिक लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है, और खुशराज भाई ने सामान कर लिया है, और हमारे भाई, और देखिए पीछे नाग, और ये देखिए नीचे मड़भागी, और देखिए तल वाला सीएम, वाओ कितना अच्छा नज़ारा आ रहा है यहाँ से, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो कैमरे में ही कैद हो जाती है, तो वही है ये चीज़ें। आ चुके हैं, और हमारी पंडित जी जिनका नाम लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल जी हैं, और इन्होंने हमारी सारी व्यवस्था की रहने की खाने की, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पंडित जी का, कि इन्होंने इतना कुछ करा हमारे लिए, इतनी तकलीफें उठाई। तो पंडित जी आपको हम कभी नहीं भूलेंगे, दोबारा आएंगे तो अवश्य आपसे मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। यहाँ पर बहुत ही दिलदार हैं ये, बहुत ही ज़्यादा दिलदार सब लोग हैं, 3 लोग रहते हैं, और साल साल भर की इनकी ड्यूटी रहती है कि नहीं पंडित जी? तो धन्यवाद पंडित जी आप सभी लोगों का, आपके इस गुण को हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सबसे पहले यहाँ के पंडित जी को, लक्ष्मी प्रसाद सेमवाल जी को, जिन्होंने हमें यहाँ रात्रि विश्राम के लिए खाना पीना सब कुछ दिया। और यहाँ के लोग बहुत ही दिलदार हैं, और उनके साथ 2 और थे, और अभी निकलने का टाइम हो गया क्योंकि यहाँ बर्फबारी हो रही है। पंडित जी ने टीका लगाए, बहुत ही दिलदार बंदे हैं पंडित जी, इनका मैं कोटि कोटि जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। और मैं अपने इष्ट देव सेम नागराज भगवान से यह प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, अगर मेरे सब्सक्राइबर सही हो गए जितने मैंने सोच रखे हैं, तो भगवान 100% मैं यहाँ दोबारा आऊँगा, और अगर इसी साल हो गए तो वो भगवान
वैसे मेरा भरोसा है कि जो भी यहाँ आता है सच्चे दिल से उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, तो मेरी भी अवश्य पूरी होगी और मैं अवश्य यहाँ पर आऊँगा दोबारा, चाहे मुझे कुछ भी हाल किसी हाल में भी आना पड़े मैं यहाँ अवश्य आऊँगा। और इस समय जून में लगा रखे कि जून में आऊँगा, क्योंकि भगवान ने ऐसी कृपा हुई कि दोस्तों अगर आप लोग भी यहाँ सच्चे दिल से आओगे तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो एक बार कोटि कोटि नमन करता हूँ इष्टदेव नागराज को, और पुनः नागराज देवता को एक बार देखने की अभिलाषा रहेगी, वैसे तो बार बार रहेगी परंतु दूर होने के कारण घर मैं अवश्य आऊँगा। तो जय सिम नागराज देवता। तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, के मौज बंजारा ले गया, के मौज बंजारा ले गया ले गया। तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, के मौज बंजारा ले गया, के मौज बंजारा ले गया ले गया। धारा दी में फाइनली दोस्तों हम मड़वागी पहुंच चुके हैं, हमारी वापसी हो चुकी है और अभी मुंह भी नहीं धुला है, डायरेक्ट वहां से आए नीचे, अब सिर्फ डायरेक्ट घर जाने की बारी है, नीचे सारे लोग आ गए हैं। तो आई होप गाइस आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही लगी घंटी को भी दबाना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आए और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और लाइक और कमेंट में जरूर बताना कौन कौन लोग आना चाहता है और कौन कौन यहाँ आ रखे हैं। तब तक जी इजाज़त, जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।